सॉरी आई मिस्टेक, कुछ लेकर आ रही हूँ। मेरा यूट्यूब का पैसा आएगा तो कब मैं उस पैसे से मेरे इतना बड़ा दिल दे दिए हो और क्या है। ओ थैंक यू थैंक हेलो गाइस, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऐसे हमेशा अच्छे रहना भी हम। तो देखिए, मैं सरिता आप सभी की स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल। और मेरे हस्बैंड क्या गिरा रहे हैं देखिए, इमलियाँ और सूखी सूखी इमलियाँ गिर रही है और कुछ तो मेरे हाथों में है। ये देखिए, दो इमलियाँ मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए तोड़े हैं। मैं दो तीन दिन से इधर जॉगिंग के लिए आती थी सुबह और इवनिंग के टाइम, तो ना मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी इमलियाँ बहुत अच्छी है, ताज़ी ताज़ी ग्रीन ग्रीन, मेरे लिए कब तोड़ोगे करके। तो फाइनली आज अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, है ना जी? कैसा लग रहा है इमलियाँ तोड़ते हुए बताओगे? हाँ, पत्थर से अच्छा होगा। तो ये देखिए, जंगल से लड़कियाँ खेतों से आ रही है और लकड़ी ले जाते हुए। देखिए कैसा लगा जी आपको इमली तोड़ के मेरे लिए? मैं तो तोड़ना बहुत सारा चाहता हूँ लेकिन मेरे को अच्छे खासा डंडा नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं इसको सब बहुत सारा है देखो तोड़ पाऊँ। मैं तो दो ही पेज गिरा पाया। सूखा सूखा लगी रहा ना, देखो कितनी लकड़ियाँ ला रहे हैं जंगल से सब। और इधर का धान कट गया है और पीछे पहाड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबको हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब पानी दे दो ना जी, मैं पीऊँगी। मैं थोड़ा देर और चलना चाह रही हूँ लेकिन। चलो ना वहाँ तक, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। हाँ पकड़ो, मेरे को पानी पीने दो। अपने आप से ना बहुत सारी इमलियाँ खराब हो रही है ना, देखो ना। चढ़ते भी नहीं पर रहना, अगर वहां तक जाओगे तो टूट जाएगा पूरा। और फल इतना ऊपर ऊपर में लगा है ना, नीचे में नहीं लगा है। एक बांस का वो लाओगे ना डंगा। अच्छा तो एक बार दिखा बोलो। और देखो कितने सारे फल लगे हैं, इन्हीं को मैं तोड़ने वाला था लेकिन अच्छे खासा डंडा नहीं मिल पा रहा इसको तोड़ने के लिए मुझे। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, सभी तरफ मस्त फले हुए हैं इमली। उधर से उधर दिखा दो जी, लकड़ी लाते हुए। और इधर जंगल से कुछ लोग आ रहे हैं, शाम का वक्त है, लकड़ी लेके अपना। मुझे तो इधर आकर बहुत अच्छा लगा जॉगिंग करने में और नेचर के साथ ना, नेचुरली हवाएं के साथ जॉगिंग करने में एक अलग ही मजा आती है। मतलब पता ही नहीं चलता, आप एक घंटा कर लोगे फिर भी आपको एहसास ही नहीं होता है कि हम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और कितना अच्छा लगता है। और आप सबको यकीन नहीं होगा कि मैंने ना, मेरे को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में मैंने ना, रुको आप सबको बताती हूँ आवाज़ कितनी तेज़ थी। तो मुझे ना 10 दिन हुआ है वर्कआउट करते हुए और मैंने 2 किलो वज़न कम कर लिया अपना। और मुझे इतना खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही ना कि मैं बता, 2 किलो वेट लॉस हुआ है। लेकिन इससे अभी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं हुई हूँ कि नहीं, लेकिन मैं चेक करती तो मुझे पता है कि 2 किलो हुआ है। तो ऐसी मैं 6 महीने में आई होप मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन सब के लिए ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ दे रहे हैं, जो मुझे इधर इतने प्यारे जगह पे लाते हैं, पहाड़, खेत, रास्ता, सुनसान रास्ता। बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसा हस्बैंड है मेरे, बहुत सपोर्टिव है, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और आई होप मैं उनके लिए बहुत जल्दी पतली होकर दिखाऊं। तो अब वक्त है, हम लोग आए थे साढ़े तीन को और अभी बज गए हैं 5, और 5 बजने वाली है। आप सबको मेरे हस्बैंड का घर ही दिखाती हूँ, कितना बजा है आप सब उनसे अंदाज़ा लगा ना। और फिर ना हम घर जाएंगे, बहुत देर तक वर्कआउट कर लिए। मैं तो पानी लाई थी अपने लिए, वो पानी पी ली। मेरे हस्बैंड ना स्ट्रिंग लाए थे अपने लिए, तो अपना स्ट्रिंग पी लिए। और दिखाओ जी मैंने कितने वर्कआउट किए हैं सब, मैं अपना अपने वॉच में कंज्यूम करता हूँ और दिखा रहे हैं कितना। 35 मिनट्स मैंने दिखा। चलो तो ये देखिए, रुको रुकिए,
अभी बजने, घड़ी पहले दिखाना फिर इसको दिखाना। तो ये देखिए अच्छा। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ वर्कआउट करते हैं, और इसके बाद टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ ना। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड का वॉच, और इसमें जो है ना मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, देखना आप सब। और ये वाला वही वाला फ़ोटो लगा के रखे हैं जिसमें मैं 5 साल पहले कितनी स्लिम ड्लिम थी, मतलब बहुत पतली थी। वो वाला फ़ोटो अपने घर ही पे लगा के रखे हैं ताकि मेरे को हर पल एहसास हो कि मुझे इतना होना है, इतना, ताकि मैं ऐसी जीन्स पहन सकूँ। इसीलिए ये वाला फ़ोटो इन्होंने रखा है। ये टाइम क्या हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा ना जी। तो हम आए थे 3:30 को, और अभी 5 बजने ही वाली है, और हम जा रहे हैं। आज का हमारा वर्कआउट पूरा हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी जाना है मेरे हस्बैंड को, इसीलिए हम जा रहे हैं। और कल फिर आएंगे घर जाकर। अब मैं आज कुछ नया वाला सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जिसे मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। और वो देखने में भी आप सबको देखना कैसे लगेगा। देखिए छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध उड़द की खेती से ले जाती हुई एक महिला पूरे 1 बोझा उड़द की उड़द ले जा रही है। चलो तो अभी हम कहाँ जाएंगे जी? अपन अब घर चलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है मेरा ऑफिस जाने का। अरे देखो ये भी ले जा रहे हैं उड़द, मतलब अभी उड़द और धान लुवाई का सीजन चल रहा है, तो फिर वही ले जा रहे हैं सब। तो यहाँ के लोग काफी मात्रा में धान और उड़द की खेती करते हैं, तो अब उनके काटने का वक्त आ गया है। लोग अक्सर क्या है, दिवाली के बाद ही इन सब अपने साइड ये होता है कि दिवाली जैसी ख़त्म होती है, बिचा होता है जो धान और उड़द जो मक्का ज्वार बोए हैं सब अपना अपना, क्योंकि अब धान मंडी भी शुरू हो गई है लेने के लिए, तो फिर सब अपनी तैयारी में जुड़ गए हैं किसान भाई। और इसी के साथ मैं आपसे मिलते हैं। देखिए हम रास्ते में हैं, और एक संगवारी हो अमर छत्तीसगढ़ की फसल उड़द के खेती है कम्प्लीट होगी, तो ये देख कटे हो जाए चला थे गाड़ी ले जा रहे हैं, तो गाड़ी को ही तो ले आओ करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए हम उतर गए हैं उड़द के खेती जिसे आप सबको दिखा रही थी मैं, और आप सबको दिखाती हूँ कि अभी लुआई चल रहा है ये उड़द का। तो ये पूरा खेती है ये देख सकते हैं, और ये इतना ज़्यादा है ना, इन लोग इसको साफ भी नहीं करते, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है लगता है, फिर भी अच्छा खासा उड़द हो जाती है। तो ये देखिए ये है उड़द, तो बहुत जल्दी फल गया, सूख भी गया और झड़ भी गया बहुत सारा। आप सब पे इसका फल दिखाती हूँ, ये देखिए ये है उड़द का फल। आओ ना अकेले में नहीं बढ़ रहा है, कैमरा पकड़ो, मैं कैसे दिखाऊं? कैमरा पकड़ो ना, मैं उड़द का फल दिखा रही हूँ लोग को। ठीक है, तो संगवारी हो हमारे, देखो तो हमारे छत्तीसगढ़ के एकदम सुप्रसिद्ध हवा है हमारे धान की खेत। तो देखिए आम आ गए हैं ये उड़द के बगीचा में, और आपको सरिता दिखा रही है आपके तोड़ के कि किस टाइप से होता है। तो दिखाओ, ये है उड़द का फल, दिखाओ सामने से। और तोड़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी सूख गया ना जी। हाँ हो गया ना फसल, ये देखिए ये पूरा खेत में सब उड़द लुलू के जो ले जा रहे हैं ना, दिखाओ हाथ में बोझा बो बो के सब बांध बांध के ले जा रहे हैं। वो देखिए ये है, तो ये है उड़द का फल, अच्छे से देख लीजिए, बीज है, सॉरी हम लोग फल बोल रहे हैं बार बार से, सॉरी आई मिस्टेक। ये तो आप सामने देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े ये नीलगिरी के पौधे जो इतने बड़े हो चुके हैं, कुछ सालों में इनकी कटाई भी की जाएगी। कह रही है सरी साहब, आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। ओह वाओ फ्लावर्स, ये देखिए मैं आपको कुछ दे नहीं पाती जी, कोई बात नहीं, तो सॉरी उसके लिए कि मैं कब मेरा यूट्यूब का पैसा आएगा, तो कब मैं उस पैसे से मेरे हस्बैंड के लिए फर्स्ट शॉपिंग करूँगी। कोई बात नहीं, तो देखिए इसमें फाफा बैठे हुए थे, इतना बड़ा दिल दिए, इतना बड़ा दिल दिए और क्या है। ओह
थैंक यू कितना अच्छी लाइन बोले। ये देखिए मैं क्या पकड़ी हूँ, पास से दिखाओ। तो वो इसमें बैठी थी, ये देखो। तो ये लीजिए जी, थैंक यू सो मच। रुको मैं अच्छे से देखती हूँ मुझे। तो ये ले, थैंक यू बहुत बहुत गॉड, बहुत अच्छा है ना, इसकी कलर बहुत ही अच्छी लगती है। ये हम जब भी इधर आते हैं रॉकेट दिख ही जाता है। आप सबको दिखाती हूँ, पहाड़ के ऊपर से ना रॉकेट जा रही है, ये देखो। नहीं दिख रहा है ना, कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहाड़ों के ऊपर से एक रॉकेट जा, रॉकेट क्या बोल रहे जी, सावी की सवारी। आप अपन देखते हैं टीवी सीरियल सावी की सवारी, देखिए सामने से ऑटो आ रही है, सावी की सवारी बोल रहे। स्टार प्लस में एक सीरियल आता है ना, उसी को बी की सवारी, जिसमें सभी चला रही है ना जी। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हो गए, काट दिए हैं पूरा मैदान। हाँ यार, यहाँ बहुत सारा पौधा का पेड़ का बहुत दर्द है और काट दिए गए हैं। देखिए मुझे देख बहुत बुरा लग रहा है। आप सबको मैं कुछ यूनिक नया वेजिटेबल्स दिखाती हूँ, जिसे मैंने खुद फर्स्ट बार देखी और फर्स्ट बार खाऊंगी और फर्स्ट टाइम कुक करूंगी इसे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसका टेस्ट कैसा लगता है, देखते हैं। दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये वाली वीडियो ना यहीं तक थी। इसका जो मैं सब्जी बनाऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो प्लीज़ वाला वीडियो भी आप सब जरूर देखिए और मेरे को सपोर्ट करिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए ना कुछ ही वास्ट टाइम बचा है, तो प्लीज़ इसे भी पूरा कर दीजिए यार, आप सबके बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। और मैं ये कुक करने वाली हूँ इतना खूबसूरत वेजिटेबल्स, जो देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं ना, देख रहे कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है सच में। तो ये वाला कैसे बनाती हूँ प्लीज नेक्स्ट वीडियो में देखना। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।